यूपी की कुछ खास खबरों की ओर नजर डालेंगे और आपको बता दें कि कासगंज से अब तक की खास खबर आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस में एक युवक ने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना दम तोड़ दिया है। परिवारजनों ने अस्पताल पर और कर्मचारियों पर इलाज के दौरान लापरवाही में आरोप लगाए हैं। अब आपको बता दें कि यूपी सरकार अक्सर ये दावा करती है कि चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनकी परिपूर्ति समय पर कर दी जाती है, फिर क्यों इस समय की समस्याओं का सामना आम जन को करना पड़ रहा है, क्यों इंसान को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ रहा है। सीधा सवाल है यूपी प्रशासन से, यूपी सरकार से, कि क्यों अभी तक जो है अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की जो सुविधाएं हैं लोगों को परिपूर्ण रूप से नहीं दी जा रही हैं, जिसके चलते इंसान अपनी जानों को गंवा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब मांगता है आवाज न्यूज 24। कासगंज जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर मरीज द्वारा ऑक्सीजन की कमी के चलते एम्बुलेंस में ही दम तोड़ने का मामला सामने आया है। वहीं मृतक के भाई ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सोरो थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़पुरा की रहने वाली शकुंतला देवी ने बताया कि उनके बेटे नंदकिशोर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे गुरुवार दोपहर को कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए कासगंज के ही दूसरे सरकारी अस्पताल अशोकनगर CHC में रेफर कर दिया गया। यहां हालात में सुधार नहीं होने के चलते अशोकनगर CHC से बेटे नंदकिशोर को सरकारी एम्बुलेंस से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर निकलते ही एम्बुलेंस में लगे सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। मरीज ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उनसे 1200 रुपये भी मांगे हैं। भाई जब इस संबंध में कार्टून CMO अनिल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। हालांकि मृतक के परिजनों ने कोतवाली कासगंज में तहरीर दी है, संबंध में जांच की जाएगी और अगर एम्बुलेंस कर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की जरूरत थी तो रेफर करो तो जगह तुम वहाँ को ले जाओ अलीगढ़ का। तो देखो अलीगढ़ को ले गए तो इन जगह सिलेंडर हमने हल्ला पूरा तो का पूरा अम्मा टेंशन मत करो बाबा कैसे जाइए ने बैठी गई सिलेंडर में ढोलना पा। अच्छा मेरे लला ढोलना पा खत्म हो गया। मेरे लला बहुत मुश्किल से प्राण ले करे लला के जो गाड़ी रोक के जा। क्या नाम था भैया का? नंदकिशोर नाम। कितनी उम्र थी उनकी? 27 साल की। सांस की बीमारी थी? सांस की ना ही सांस लेने में परेशानी। कितने दिन से परेशानी थी? फैशन हो एक महीना हो गया अलीगढ़ इलाज हो तो मैं आऊँ। कोरोना तो नहीं था उनको? कोरोना टेस्ट हुआ था? सब टेस्ट हुए मेरे द्वारा सब धरे हैं चेकअप। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है। थाना कौन सा? कमी बता रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं लगाई गई थी। ऑक्सीजन लगी थी एम्बुलेंस में ही, ऑक्सीजन आता था सर। एक तरफ जैसे योगी सरकार है बात कर रही है कि एम्बुलेंस वगैरह सब में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन परिजन इस बात को नकार रहे हैं। नहीं उसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी, सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, ऑक्सीजन कभी नहीं थी, उसकी वजह से नहीं मरा। क्या परिजनों की तरफ से कोई आपको एप्लीकेशन वगैरह मिली है? अभी सर तो वहाँ पर थाने में दिए हैं हमारा एप्लीकेशन, तहरीर दी है, अगर उसमें कोई बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। मैं जांच उसके लिए जांच सौंप दी है कुछ लोगों को, जांच करवाई जाएगी।